Thank you and I welcome you all to this session. आप अपनी रेगुलर क्लास को चाहे हो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल एंड थैंक्स टू द स्कूल मैनेजमेंट फॉर गिविंग दिस एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद यू ऑल. तो आप सब क्लास 10 में हो? क्लास 10, ठीक. अभी आपके सीनियर्स ने इन दोनों के बारे में कुछ कुछ तो बता दिया, थोड़ा बहुत आपने सुन लिया होगा. थोड़ी सी बात मैं करता हूँ. अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आई थिंक 2-3 दिन बाद वी हैव इंडिपेंडेंस डे. और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2022, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे हर घर तिरंगा कैंपेन हुआ था. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. Pan India from Jammu and Kashmir till Kanyakumari, Tamil Nadu, Kerala, या North East से लेके गुजरात तक हर घर में even on the government buildings, corporate offices, other private buildings, we had national flag. Am I right? उसको एक बहुत इतने बड़े लेवल पे हमारे कंट्री ने कभी नहीं किया था. And they were promoting it on social media, mainstream TV channels and everywhere. The theme was what? हर घर तिरंगा की, एवरी होम शुड हैव ए नेशनल फ्लैग. आप सबने भी देखा होगा. तो आप सबके घर में भी था फ्लैग लास्ट ईयर, तो प्रोबेबली यू हैव बॉट इट. हमने मार्केट में जाके फ्लैग लिया होगा. और अगर आप आजकल देखो तो इवन ऑन द रोड्स जहाँ पे सिग्नल्स होते हैं या किसी बिजी सी मार्केट में, सम पीपल आर सेलिंग फ्लैग्स. नेक्स्ट 2-3 डेज द फ्लैग्स आर बीइंग सोल्ड. एम आई राइट? तो लास्ट ईयर आप में से किसने फ्लैग लिया था? चलो गुड. तो जैसे अगर जिसने नहीं लिया होगा तो पॉसिबली उसके पेरेंट्स लेके आए होंगे. मम्मी पापा मस्ट हैव गॉट द फ्लैग फॉर यू पीपल. इट्स अ वन एंड द सेम थिंग. दे बाइंग द यू पीपल बाइंग. हाउ मच यू पेड फॉर द फ्लैग? जिसने खुद से खरीदा था, वाज एनीवन हु पुट द मनी एंड बॉट द फ्लैग ऑन हिज ओन? यस. हाउ मच यू पेड? 200 rupees. He paid 200 rupees for a flag. ठीक है. बाकी लोगों ने कितना पे किया था? या कभी आपने अपने पेरेंट्स को पूछा हो मम्मी कितने का फ्लैग आया या पापा आप फ्लैग लाए हो? तो कई बार होता है ना डिस्कशन. तो अगर मैं उन्हीं की बात लेके चलू, आने वाले 100-200 इतने का ही फ्लैग आता है ना. आप सबने इतने का ही लिया होगा. किसी ने बड़ा महंगा ले लिया होगा. Someone has taken some very good quality flag, जो भी कुछ होगा, brand new flag, let's say like this, किसी बड़े शोरूम में जाके लिया होगा, तो he must have put 500 rupees या 1000 rupees, यही होगा ना. इससे महंगा तो नहीं होगा. जबकि मेरी नॉलेज के अनुसार which to all people can agree, मेरे ख्याल से 15-20 रुपए से तो मिलना शुरू हो जाएगा वो जो प्लास्टिक के फ्लैग होते हैं. और जो लास्ट ईयर आपने 200 रुपीज का फ्लैग लिया था, तो डू यू स्टिल हैव दैट फ्लैग? आपने घर पे रखा है? वेरी गुड. क्या बाकी सबको याद है जो लास्ट ईयर आपने फ्लैग इस्तेमाल किया, यूज किया हर घर तिरंगा के कैंपेन में? यू रिमेंबर आज फ्लैग कहां पर है? सबको याद है? सबने प्रिजर्व करके रखा है? ठीक है, गुड. बट देयर आर सम पीपल जो फ्लैग ना बहुत महंगा लेते हैं. दे पे समथिंग व्हिच वी कांट इवन इमेजिन फॉर ए फ्लैग. और जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन चल रहा था हर घर तिरंगा, तो सडनली समथिंग स्टक टू माय माइंड. आई रियलाइज देयर आर सम पीपल सम होम्स जहां पे हर दिन तिरंगा है. व्हाट आई मीन टू से, हर दिन तिरंगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी सारे लोग दे यूज द हैशटैग हर घर तिरंगा. हैशटैग यू नो ना, जो सोशल मीडिया से हम लोग यूज करते हैं. तो दे विल राइट हर घर तिरंगा. तो आई यूज टू राइट देयर आर होम्स जहां पे हैशटैग हर दिन तिरंगा या हर दिन तिरंगा. जैसे आप सबने 15 अगस्त को अपना जो फ्लैग यूज किया, फिर 16-17 अगस्त को या 18 अगस्त को आपने उसको नहीं रख दिया संभाल के, या सबने संभाल के नहीं रखा.
चलो जिसने जैसा लिया था हमारे लिए बंद हो गया। अभी शायद कल परसों आपकी मम्मी फिर से कहेंगी अरे वो लास्ट ईयर फ्लैट लाए थे कहाँ पर है ढूंढो उसे। एट टाइम्स वो फ्लैट शायद इस कंडीशन में ही नहीं होगा कि आप उसको इस बार दोबारा डिस्प्ले कर पाओ। देन अगेन यू विल गो यू विल शेल ऑफ सम 100-200 रुपीस एंड यू विल बाय अ न्यू फ्लैट। यही होगा ना, एम आई राइट? बट देयर आर सम पीपल जो एक तो फ्लैट के लिए ना जाने इतनी ज्यादा प्राइस पे करते हैं एंड सेकंड वो हर दिन उस फ्लैट को डिस्प्ले करते हैं, उस फ्लैट को रोज देखते हैं एंड प्रोबेबली दैट फ्लैट इज द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन फॉर देम इन देयर होम। आपके घर में ना जाने क्या क्या होगा बट उनके पास वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मैं एक फोटोग्राफ दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, इफ दे कैन डिस्प्ले दैट फोटोग्राफ, लेट मी सी दिस फोटोग्राफ, देन वी विल सी कि क्या होता है। यस, आप इसको पढ़, कैन यू रीड दिस, व्हाट इज रिटन इन दिस फोटोग्राफ, या मैं पढ़ के बोलूं? जो सब लोग पीछे काफी हैं वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ये एक सोशल मीडिया का पोस्ट है, ठीक है। यू आर सीइंग टू पीपल, वन पोर्ट्रेट एंड ए फ्लैट, अब देख रहे हो ना, और उसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, हम जो लोग लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये तिरंगा अनमोल है। व्हाट वी मीन बाय अनमोल, जिसकी हम प्राइस नहीं लगा सकते, इट कांट बी क्वांटिफाइड, क्योंकि इसी में शहीद मेजर ऋषिकेश रमानी का पार्थिव देह घर आया था। आप समझे, मैं ये अंकल जो यहाँ बैठे हैं रमानी अंकल, वल्लभ भाई रमानी इनका नाम है, तो लास्ट ईयर जब भारत सरकार हर घर तिरंगा का कैंपेन चला रहा था तो उसी टाइम पे अंकल ने अपने घर का फ्लैग, आप देख रहे हो कितना बड़ा है, बिकॉज दिस इज द फ्लैग इन विच हिज ओनली सन जस्ट 25-26 ईयर्स ऑफ एज, ये एज नहीं होगी, विथ 12 बुलेट्स इन हिज बॉडी, कितनी 12 बुलेट्स इन हिज बॉडी, ही केम होम वन लास्ट टाइम and the sun was wrapped in this tricolor. तो इन्होंने भी अपना तिरंगा निकाला, हमारे पास भी है। Can you imagine? Can you right now any one of you calculate how much price he must have paid for it? My friend paid 200 rupees. किसी और ने 500 rupees पे किए होंगे, किसी ने 50 किए होंगे, am I right? Can we imagine the price paid by him for this national flag? हम कर सकते हैं imagine? नहीं कर सकते ना? अभी भी अगर मैं कहूँ इनके घर हर दिन तिरंगा होगा ना? अब जब भी इनके घर जाओगे इन्होंने बड़े प्राउडली इसको डिस्प्ले किया होगा, कहीं पर बड़ा अच्छे से संभाल के रखा होगा, और कोई अगर घर जाएगा तो ये उसको दिखाएंगे, जैसे आप लोग अपना उसको दिखाओगे, यू विल शो योर न्यू कार, हमने नई कार दी, हमने नया घर बनाया, आप समझ गए ना, दैट इज द प्राइस पोजेशन फॉर यू पीपल, बट फॉर पीपल से लोग दिस इज द फ्लैग। और इन्होंने सोशल मीडिया पे वही डाला, हम सोशल मीडिया पे क्या डालते हैं, जो हम सबको दिखाना चाहें, हम अपनी सबसे अच्छी चीज ही दिखाना चाहेंगे ना। इफ आई विल बाय समथिंग वेरी गुड, व्हाट विल यू, मैंने आईफोन 14 15 13 लिया तो डिस्प्ले दैट look. So now this year, maybe कल परसों आप जब flag लेने जाओगे, will you value the national flag? अगर वो जो भी कोई vendor है, अगर वो आपको national flag जब दे रहा होगा, क्या आपको लगता है वो जो भी price बताएगा you should bargain with him? क्या आप बोलोगे कि तुम महंगा दे रहे हो? आप बोल पाओगे? Imagine the price which he has paid and for whom, so that हम अपने क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस कर पाए। अगर हम इंडिपेंडेंट हुए उसके लिए ऑल द फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने 1947 तक अपनी कुर्बानियां दी, अब आप टेंथ में हो, आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे होंगे ना, दैट इज इन योर सिलेबस, यू मस्ट बी रीडिंग इंडिया मूवमेंट,
पोखरी कांग एंड ऑल दोस फ्रीडम फाइटर्स, उन सब ने कितनी सारी कुर्बानियां दी। लेकिन हम आजाद तो हो गए, लेकिन उसके बाद हम 75 साल तक दोबारा गुलाम नहीं हुए। We are still an independent country. It's only because his son, he and many others, they are protecting our freedom. शायद हम लोग भी आज फ्रीडम फाइटर्स होते, फिर हम दोबारा आजादी के लिए लड़ाई लड़ते। अब हम फ्रीडम फाइटर नहीं बन पा रहे, हम अच्छे से साइंटिस्ट बन रहे हैं, फिल्म एक्टर्स बन रहे हैं, स्कॉलर्स बन रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हैं, पर हम फ्रीडम फाइटर्स नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि कुछ हम ऐसे लोग दे डिसाइड टू बी अ सोल्जर टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। तो अनफॉर्चुनेटली मैनी वाइल डिफेंडिंग अस कम बैक होम इन दैट ट्राइकलर। सो दिस ईयर एंड टुडे ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू सी अ ट्राइकलर, इमेजिन द प्राइस ऑफ इट, इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। हम बात करेंगे और अंकल के साथ बहुत सारी। फिर वी हैव विद अस शत्रुघ्न सिंह जी, आई एम थैंकफुल ही केम ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ टू इंटरेक्ट विद यू। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर सर से हम बात करेंगे, अंकल से भी हम बात करेंगे। कारगिल की युद्ध हम सब ने सुना होगा, उसको लेकर लास्ट ईयर मूवी भी आई थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, शेरशाह, यस। और वही पहले उसके ऊपर एलओसी मूवी एक आई है, फिर देन कुछ और मूवीज भी आई हैं, बट शेरशाह वाज ए मूवी आ गया अपने विक्रम बत्रा। वी फॉट 1.4875, वी लॉस्ट हिम इन दैट मूवी, एंड reactively unfortunately we lost him and he is decorated with highest gallant ये वाले परमवीर चक्र ये आपने सब देखा होगा। तो वैसे ही जैसे he fought on 0.4875 जिसे आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं, there were many peaks in that region जो इंडियन आर्मी को रिकैप्चर करनी थी। तो on one such peak जो बटाली सेक्टर में थी जिसका नाम जुबार टॉप था, तो the task to capture that peak was given to one Bihar regiment. इसको one Bihar regiment and he was that time enrolled with one Bihar regiment. तो और कारगिल के युद्ध में जो पाकिस्तानियों के साथ पहला कांटेक्ट इंडियन आर्मी कर पाई, जहाँ पे फाइट हुई initially, तो that was coincidentally his partner only, इनका वहाँ पे कांटेक्ट हुआ था on 29th of May. 29 मई को इनका कॉन्टैक्ट हुआ था। और इनके जो कंपनी कमांडर थे, कंपनी कमांडर मींस द आर्मी ऑफिसर हु वाज होल्डिंग दैट ट्रूप्स, हेडिंग दोस ट्रूप्स, ही वाज मेजर पद्मापाणि, सॉरी मेजर एन सरवनन। ही फोर अदर सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट एक्शन, दे लॉस्ट देयर लाइफ एंड ही वाज बैडली वाउंडेड ओवर देयर at a height of some around 17,000 feet. इतने ऊपर 17,000 फुट की लगभग ऊंचाई पे he is injured, his police are lying dead on 29th of May, and then it took him around 11 days to crawl back to the base. How many days? 11 days without food and almost no water. With bullets in his body, he can't even walk, he can't even stand. He was carrying his weapon, any weapon which he has recovered, some very vital documents which were very useful for India as a country in the coming days. He crawled for how many days? 11 days to reach to his commanding officer and then to tell him ki what has happened on 29th of May 1999 on Jubar Top. And then he was decorated with Gallantry Award, which we call as the Chakra. Can you imagine? So, he has a lot to tell
if I say, if he speaks for even 3 days, it will not finish his story. But we understand your time also. So we will have 3-4 very specific incidences which I want कि सर आपसे बात करेंगे, फिर हम अंकल से बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? तो इन ए ब्रॉड वे मैंने एक नक्शा आपको बता दिया. Then once they both have little discussion with you, but any one of you if have some direct question to any one of them, you can ask them. Is it okay? Yes. ठीक है. तो सर आप माइक लीजिए. मैंने बच्चों को थोड़ा सा आपके बारे में बता दिया कि 10-11 दिन बिना खाए पिए, पानी तो बड़ा कम, नहाने नहीं कभी आपको मिला होगा, 3 गोलियां कान में लगी हैं और आप नीचे तक आते हैं, वो सब करते हैं. मैं बस ये आपसे जानना चाहूंगा, वो 11 दिन में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था, तब आप क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या हुआ था? मैं कैप्टन शत्रुघ्न सिंह बिचका लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, इसे बलिया का रहने वाला हूँ. ये जब कारगिल वार हुआ था, सर ने बताया जैसे कि 11 डेज तक मैं कैसे वहाँ का समय गुजारा था उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा. और सब में ही जहाँ आप लोगों को कोई कुछ पूछना भी है मुझसे पूछ सकते हैं. ये जब 99 का वार जब लड़ाई शुरू हुआ था, तो पहले शुरू में लड़ाई नहीं था, ये था कि जो मेरा इलाका है कारगिल बटालिक टाइगर हिल, ये पहले सब कुछ इंडिया का ही है, लेकिन जो धोखे से पाकिस्तान ने उस पहाड़ी के ऊपर एक समझौता था, शिमला समझौता, उसके अधीन वो लोग डाउन हो जाते थे, हम लोग भी डाउन हो जाते थे. विंटर के टाइम पर जब बर्फ गिरता था तो वो लोग अपने अंदर चले जाते थे, हम लोग अंदर आ जाते थे. लेकिन 99 में वो लोग कहा गया कि धोखे से जब इंडिया की फौज नीचे आ गई, तो कारगिल सेक्टर वो 172 किलोमीटर की लगभग दूरी है, उस सेक्टर में पाकिस्तानी लोग आके बैठ गए थे. और जब इंडिया का फर्स्ट पेट्रोल गया था पंजाब रेजिमेंट का, उस टाइम पर पंजाब का गया था, एक राजपूत की गई थी, तो वो लोग जो पेट्रोल ही गए, जैसे अभी बर्फ खत्म हो गया तो अप्रैल मई का महीना आ गया, अभी फिर दोबारा से फौज जाकर उस पोस्ट में बैठेगी, तो एक पेट्रोल गया था कैप्टन कालिया साहब के साथ, जो जाकर के अपना इलाका को सर्च करके आएगी, तो फिर पूरी ट्रुप जाकर के उस पोस्ट के ऊपर बैठेंगे. उसी दिन ये बात था 99 मई महीना की 15 या 16 मई की. फिर 17 मई से बिल्कुल ऐलान हो गया कि उस पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी उग्रवादी लोग आके बैठे हैं, पाकिस्तानी फौज नहीं उग्रवादी. सर ने बताया कि जो फर्स्ट अटैक जो था उसमें मैं भाग लिया था, और एक तो मैं छुट्टी जा रहा था, छुट्टी के बाद अपने आप वॉलेंटियर जाकर उस लड़ाई में शामिल हुआ, यूनिट के साथ जाकर के उसमें उस पोस्ट के ऊपर बटालिक सेक्टर में गया, जो 0.4268 जो हाइट है उस हाइट के ऊपर पाकिस्तानी बैठे थे उनके ऊपर सर्चिंग में गया, सर्चिंग से वापिस आया, अभी उसके ऊपर अटैक लेके गया और हम वहाँ फंस गए. तो 29 मई को मुझे जो मेरे साथी लोग थे उसमें से 4 लोग वीर गति को प्राप्त हुए और 4-5 लोग घायल हो गए. मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे भी बाद में पैर में घुटने से नीचे 2 राउंड लगा, कमर में गोली लगा और मैं गिर गया. मैं 29 मई को पूरा दिन उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तानी 10 मीटर दूरी पर है और मैं यहाँ हूँ, आमने सामने देख रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी लोग सोचा कि शायद ये भी खत्म हो गए हैं. 29 मई को पूरा डे मैं उसी जगह लेटे रहा, बैंडेज पट्टी या खाने के लिए कुछ नहीं था. 25 मई को मैं फसली 2 रोटी खाया था, और 26 मई 27 मई 28 मई 29 मई 29 मई को ये फर्स्ट लाइट में मुझे गोली लगा था. 30 तारीख को मेरा मरीज डे था, उस पीरियड में जो गोली लग गया है और लगता है कि सभी लोग शहीद हो गए, हमको भी निश्चित होना ही है क्योंकि वहाँ से मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ. जो मेरा ट्रूप्स है मुझे निकालेगा, अगर हाथ में आएगा उठा ले जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि दुश्मन को पता हो गया कि अभी इंडियन आर्मी हमारे ऊपर
अटैक करने आएगी तो वो पहले ही शूट करेगा। इस तरह से करते करते 30 मई हो गया। 30 मई को शाम को मुझे एक अंदरूनी शक्ति मिला कि नहीं, मुझे आगे चलना चाहिए, हो सकता है मैं बच जाऊँ। तो जो भेस्ट अंदर अपनी बांधता है, भेस्ट को मैं फाड़ करके इससे जो पैर में जख्म था उसको बांध दिया और धीरे धीरे वहां से चलना शुरू किया। तो खड़ा हो नहीं सकता हूँ क्योंकि पैर बिल्कुल झुल रहा है, तो मैं धीरे धीरे पैर को हाथ से उठा के आगे रखना, फिर घिसना, ऐसे करते करते मैं 30 मई को पूरा रात गुजार दिया। 29 मई को गोली लगा था। 36 घंटा वेट करने के बाद वहां से मैं चलना शुरू किया और 30 मई की रात गुजर गया। जब सुबह के टाइम पाकिस्तानी लोग उस पोस्ट को छोड़ करके दूसरे पोस्ट में जा रहे थे, इस बीच में 28 तारीख को, मतलब एक दिन पहले, गोली लगने से एक दिन पहले एक पाकिस्तानी को मैं मारा था, उससे उसके पास डॉक्यूमेंट मिला था। वो डॉक्यूमेंट था उनका आई कार्ड, पे बुक, उनका वर्दी, उनका बैच मिला जो आदमी पहनता है, वो सब उसमें लगा हुआ था। उससे साबित हो गया कि ये जो लड़ रहा है सिविल कपड़े में है वो आदमी पाकिस्तान आर्मी का है, 5 नर्दन लाइट इन्फेंट्री की ये जवान है, उसका जो कार्ड का रहा था। तो ये सबूत एक अहम था जो अपने कमांडर को मैं रेडियो सेट के ऊपर बताया था कि जिसको मैं मार दिया हूँ उसके पास से ये डॉक्यूमेंट मिला है, वर्दी मिला है, लेकिन सिविल कपड़े में। वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होते गया और दिल्ली तक पहुंचा उसी समय कि ये जो ट्रुप्स उनका लड़ रहा है वो उग्रवादी नहीं है, ये एक सैनिक है। तो सैनिक से सैनिक को लड़ना कठिन काम होगा, उग्रवादी से लड़ना थोड़ा आसान होता है क्योंकि उनका जो सूट किया हुआ हमारे ऊपर लगेगा नहीं। तो सैनिक के जैसा जैसे अभी आर्टी आर्मर्ड या एयर रैक उसके ऊपर आप कर सकते हैं सैनिकों के ऊपर, जो सैनिक लड़ रहा है। तो मेरे पास एक अहम डॉक्यूमेंट ये था। अभी गोली लग गया, कमांडर सोचता है मेरे पास वापस आएगा तो डॉक्यूमेंट को वापस हमको देगा, उसको हम प्रूफ दिल्ली को भेजेंगे। लेकिन मैं चूंकि ज्वाइन हो गया तो मैं पीछे आ नहीं रहा हूँ, बात तो हुआ, इसके बाद कम्युनिकेशन खत्म हो गया। जो रेडियो ऑपरेटर था वो भी नहीं रहा, रेडियो सेट भी मेरे पास नहीं है, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। तो अभी मैं अकेला हूँ। तो जो पाकिस्तानी से घूम के जा रहा था, 30 तारीख को सुबह के टाइम 7 बजे मैं एक जगह पर एक पत्थर के अंदर बैठा और जो 0.4268 है उसमें 42 पाकिस्तानी फौज था, उसमें से 5 से 7 लोग अपने तौर इस पोस्ट को छोड़ के दूसरे पोस्ट पर जा रहे हैं, वो हथियार लिया हुआ है, पिट्ठू लिया हुआ है, और जहाँ मैं बैठा हूँ उससे बिल्कुल बगल में बगल से गुजर रहा है। लेकिन ये कहावत है, जाको राके साया मार सके ना कोई, शायद उनको आंख में कहाँ से अंधेरा आ गया, क्यों नहीं मुझे देख पाए जहाँ मैं बैठा था। तो मैं सोचा आप लोग कैप्टन कालिया साहब का नाम सुने हैं, नेट पर आता है या पिक्चर में भी आता है। तो कैप्टन कालिया साहब को वो लोग जिंदा पकड़ लिए थे पाकिस्तानी लोग, और उनको थोड़ा थोड़ा काटते थे, मतलब डेली थोड़ा हाथ काट दिए, नमक लगाए, मिर्चा लगाए, फिर उनसे पूछते थे कि बताओ कि आपकी कितनी आर्मी है, कितना लड़ रहा है, कौन सा हथियार लगा है। उनको काफी तड़पा तड़पा करके मारा गया। ये चीज हम लोगों को ब्रीफिंग में बताया जा चुका था। तो मुझे लगा कि ये अब जिंदा पकड़ेगा, तो उस पीरियड में मैं जो अपना गन है ना, गन को गला में लगा करके बिल्कुल भ्रष्ट लगा करके मतलब बैठा था कि अगर मुझे पकड़ेगा तो मैं चाहिए डरा लूंगा। लेकिन वो मेरे सामने से गुजरे और उनको मैं दिखाई नहीं दिया। वो जो पत्थर था लेफ्ट राइट साइड में पत्थर था, ओपन था, लेकिन उसी बीच में मैं लेटा हुआ था, घायल था ही, आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं पकड़ा तो मैंने भी शूट नहीं किया। बगल से गुजर रहे, लगता है कि अब अगर देखेगा तो पकड़ेगा ना, पकड़ेगा उस टाइम को मैं टारगेट लगा दूंगा, ये मेरे मन में था। लेकिन मरता क्या नहीं करता, मुझे तो मरना निश्चित है, लेकिन गायों की तरह नहीं, थोड़ा सा लड़के मरू, ये मेरे दिल में एक तमन्ना था, मरना निश्चित है, वो मैं बचूंगा तो भाई नहीं, क्योंकि अभी ये काफी पीछे जो मेरा इंडियन आर्मी का ट्रुप्स है काफी पीछे है, 30 किलोमीटर पीछे है, और उस पहाड़ में 30 किलोमीटर चलना आसान नहीं है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। जितना समय गुजरते गया मैं थकते गया। अभी उसी को निकल गया, 30 मई को, 31 मई हो गया, 1 जून हो गया, 2 जून हो गया,
तीन जून हो गया, चार जून को मैं उस पोस्ट के चारों तरफ चक्कर काट के नाला में पहुंच गया जो चाइना नाला होता है, और उसके पीछे साइड में फर्स्ट बिहार रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी डिप्लॉय था जो उस पोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए उनको नाला में रोका गया। और राइट हैंड में मतलब ये जो पोस्ट है जुबर है उसके पीछे साइड में चार्ली कंपनी लगा हुआ है, सामने साइड में अल्फा कंपनी, वो कंपनी होता है बटालियन में अल्फा कंपनी के लोगों में चार्ली डेल्टा ऐसे करके। तो चार जून को वो लोग तीन आदमी तीन पाकिस्तानी नीचे नाला में पानी के लिए आए थे, पानी एक बहुत अहम उस पहाड़ों में था कि पानी एक बोल था ही नहीं, वो नीचे नाला से पानी भर के गुजारना होता है, पहाड़ से अपने आप पानी निकलता है, उसी पानी को जो फौजी लोग हैं वो डालों में हर के ऊपर ले जाते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से रहते हैं, आज भी वही बात है, लेकिन पानी तो गाड़ी जाती है अपना, उस टाइम पैसा नहीं था। तो वो लोग पानी के लिए आए थे और चार जून था, उस टाइम तक मेरा जो हैंड है बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा, पैर बिल्कुल सुन्न हो गया है, इस हाथ से बटन नहीं खोल सकता हूँ, नाक नहीं साफ कर सकता हूँ, लेकिन अंदर एक जुनून है कि मरना तो निश्चित है, अभी पहुंच नहीं पाऊंगा लेकिन कोशिश जारी, हो सकता है मैं अपने ट्रुथ के पास पहुंच जाऊँ। मुझे भी पता नहीं कि चार जून के बाद में जैसा लगा कि घड़ी देखने के बाद कि आज चार जून है। तो तीन पाकिस्तानी नीचे आए, दो के पास हथियार था, एक के पास नहीं था, उनके ऊपर एक अंदर से शक्ति मिला और मैं उनके ऊपर भी फायर किया, एक मैगजीन खाली कर दिया, तो उसमें से दो पाकिस्तानी वहां मारा गया और एक वहां से भाग गया चार जून को। फिर उनके पास मैं घिसी के गया और उनके जेब चेक किया, उसमें से एक आई कार्ड मिला, दो तीन लेटर मिला दूसरे के जेब में, और दो हथियार मिला, जो हथियार को अलग उठा करके मैं क्योंकि ला नहीं सकता हूँ, एक घायल आदमी चार हथियार कैसे लाऊंगा, तो दो हथियार को छोड़ दिया। दो हथियार को लेके पांच जून हो गया, छह जून हो गया, सात जून हो गया, आठ जून हो गया, नौ जून को मैं डेटा करने के नजदीक पहुंच गया था, लेकिन 11 दिनों में तो मुझे कोई मिला नहीं। दो बार जो पानी का नाला जो रस किया तो वहां पानी पीने के लिए मिल गया था दो दिन, फिर ऊपर पहाड़ों में जो हल्का रस्ता होता है उस पहाड़ों में पकड़ने जो बोलते हैं जो बकरवाल वगैरह आती जाती है, मतलब जो बकरी भेड़ या ऐसे, उसी रास्ता को पकड़ के मैं आ रहा हूँ। अभी यहाँ का जो कमांडर है जो मेरा ये सोचता है कि अगर वो आदमी घायल था, ये जो बॉडी पड़ा है वो कोई निकल के बॉडी कोई नहीं रिकवर हुआ, जिस जगह पर मुझे गोली लगा है वहां पर इंडियन आर्मी काफी फायर कर रही है कि गोली को निकाल लिया जाए। तो कमांडर ने सोचा कि अगर चार पांच दिन हो गया अब तो निश्चित ही खत्म हो गया होगा, तो 2 जून को मेरे घर में सूचना दे दिया गया कि ये नहीं रहे, शहीद का दर्जा देकर के पूरे डॉक्यूमेंट हमारे घर पहुंच गया, यहाँ तक कि पेंशन डॉक्यूमेंट वगैरह भी 2-3 दिन के अंदर ही मेरे पास पहुंच गया बलिया में, ये नहीं रहे शहीद हो गए। और इन लोगों का भी नाम आता था रेडियो का, मेरा नाम आता था न्यूज में, जो गाँव घर में सुनते थे भाई भी नहीं रहे बिहार रेजिमेंट का, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं है। जब 9 जून को डेटा कंपनी के पास पहुंचा हूँ, जो मेरा फौजी था उसने सीटी बजाया और उसने देखा कि ये आदमी हर हमको वो देख लिया था, अब ये घायल आदमी जो घिसी घिसी के आ रहा है, तो मैं अंदर से आवाज देना चाहा उस सैनिक को, लेकिन 11 दिन तो बात नहीं किया हूं, तो मैं जब आवाज देना चाहा तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रहा है, पानी के बगैर ब्लड गिर गया, वीकनेस हो गया, वीकनेस के चलते ये जो साउंड है मेरा साउंड ही खत्म हो गया पानी के बगैर, तो मैं बोल नहीं पाया, आवाज नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अंदर से मुझे ज्ञान था, तो मैं उनको इशारा कर रहा हूँ कि मेरे नजदीक आओ, और जो मेरे हथियार जो पीठ में रखा था उसको निकाल के थोड़ा सा साइड देख रहा हूँ, लेकिन हाथ से पूरा पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आदमी देख रहा है कि हथियार को दूर देख रहा है और इशारा कर रहा है। दूसरी चीज कि 1 जनवरी से लेकर के 9 जून तो 9 जून तक मैं दाढ़ी और बाल मतलब नहीं कटाया था, तो मेरा जो दाढ़ी है ना ये काफी लंबा लंबा था और बाल भी मेरा काफी लंबा था, 1 जनवरी से लेके 9 जून तक मतलब 5-6 महीना मेरा जो केस वगैरह नहीं कटा हुआ था, तो काफी लंबा लंबा था। दूसरा चीज चोट लगा है
तो विकराल रूप देख करके वो लोग डर रहे कि हो सकता है पाकिस्तानी होगा, उग्रवादी होगा, वर्दी किसी का मां को पहन दिया होगा या कोई मर गया उसका वर्दी पहना हो, उनके मन में आ रहा। लेकिन वो लोग अपराधी रूप से हैं, उसी कंपनी का उसी बटालियन का हूँ, वो लोग पहचान गया कि वो सर रखते थे वही है। फिर वो लोग उठा करके ले गया हमको, मैं सारा उस समय भी बता रहा मुझे पानी पिला दो, पानी नहीं दिया गया, बैंडेज पट्टी लोग मतलब जो पैर में जख्म था उसको काटे, इंजेक्शन दिए, उसका जख्म को थोड़ा धुलाई किए, बैंडेज पट्टी उनके पास था वो कर दिए, इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन पैर बिल्कुल सुना था और स्ट्रेचर के ऊपर रोल करके हमको बैकवर्ड पीछे भेज दिया गया। उस टाइम तक भी मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ पर हेलीपेड ग्राउंड था, जहाँ हेली आएगा क्रिकेटर से हमको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उस जगह पर मैं लेटा हुआ, हम एक लड़का आगे बोलता है कि आप पानी पिएंगे कुछ लाऊं, तो मैं इशारा किया बोल तो नहीं पा रहा हूँ, तो उसने जूस ला करके हमको दो गिलास में जूस लाया, हमको बैठा करके अपने हाथ से पिला दिया क्योंकि मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा था। जब जूस पी लिया तो 10 मिनट बाद मेरे मुँह से आवाज आने लगा, बिल्कुल जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, इतना तेज बोलने लगा। तो जो बड़े कमांडर वहाँ बैठे हुए थे, विकेट कमांडर या जो सी ओ साहब, बाकी यूनिट के सी ओ जो फील्डिंग एरिया या हेली से आना जाना लगा हुआ है उस इलाका को सर्च करते थे, उनको सब अपना कहानी बताया कि इस पोस्ट को कब्जा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे करके फिर हेली उठा करके ले चले गए, ले में ट्रीटमेंट हुआ था, वो बोले कि ये पैर को काटना पड़ेगा। फिर मुझे चंडीगढ़ का हॉस्पिटल भेज दिया गया, वहाँ गए, वहाँ ऑपरेशन वगैरह हुआ। ऐसे करके 6 मंथ लगभग हम रह गए चंडी मंदिर कमांड में। इसके बाद तब तक घर वाले को खबर मिल गया कि ये जिंदा है, तो जब चंडी मंदिर हॉस्पिटल में लोग मिलने के लिए आए थे मुझे, मैं डॉक्टर से बोलता था कि आप एक दो दिन वेट कीजिए, घर वाले मिल के चले जाएंगे, इसके बाद मेरा पैर काट दीजिएगा। फिर ऊपर वाले की कृपा, ये पैर भी बच गया, धीरे धीरे ट्रीटमेंट होते रहा, मैं 6 मंथ दिल्ली में रहा, फिर आलम हॉस्पिटल में रहा। ऐसे करके धीरे धीरे करके लगभग 2 साल मैं हॉस्पिटल में रहा और बिल्कुल स्वस्थ हो गया, चलने लगा। अब सेना बोलती है कि आप ड्यूटी छोड़ दो, घर जाओ, मतलब पैर जॉइंट है, लेकिन मैं बोला कि अगर मैं सेना के काम आ सकता हूँ तो मुझे रखा जाए। फिर धीरे धीरे चलना फिरना दौड़ना, फिर मैं दोबारा अपने यूनिट में चला गया, फिर कुपवाड़ा गया, फिर पूंछ गया, श्रीनगर गया, लेह में गया, और ऐसे करके 2 पोस्टिंग फिर फील्ड में काटा हुआ कश्मीर में। उस पीरियड में मेरा जो राइट हैंड में गेहेट ब्लास्ट हुआ, आई का ग्राफ्टिंग हुआ, और मैं चलना फिरना दौड़ना सब कुछ करते हुए धीरे धीरे प्रमोशन होते गया, नायक बना, हवदार बना, नायक सुधार बना, सुधार बना, सुधार मेजर बना, अंडर लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना, और मैं अभी 1 साल बाद रिटायरमेंट हुआ। Just for your better understanding, मैं इनकी इस जर्नी को ना 2 मिनट में समराइज करता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली 29th of May इन्होंने अटैक लॉन्च किया, ठीक है, आंतिबार का, और उससे लगभग 2-3 दिन पहले 25 मई के आसपास इन्होंने 2 चपातीस खाए थे। कितने? 2 चपातीस, और वो 2 चपातीस ना इनकी अपनी नहीं थी, इनकी जो पहले वाली यूनिट थी, जब वो लोकेशन छोड़ के जा रही थी, उनके पास जो पुराना खाना बचा था, जो पुराना हो गया है, उन्होंने वो फेंक दिया था, इनको वो मिला, वो इन्होंने खाया। अगर हम लगभग एक अंदाजा लगाएं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, लगभग 15 मई के आसपास जो रोटी बनी थी ना, वो रोटी इन्होंने 25 मई को खाई। कब खाई? 25 मई को खाई। 25 मई के बाद ये लड़ाई में गए, ठीक है, 29th को इंजर्ड हुए, उसके बाद ही तो 11 डेज टू कम बैक, फिर उसके बाद हेलीपैड पे इनको वो जो जूस का 1-2 गिलास पिलाया गया था जो सर ने कहा। फिर जब ये चंडीगढ़ पहुंचे हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, जून 10, तो 25 मई के बाद इन्होंने जो पहला फूल ग्रेन लिया था, इट वाज ऑन 10th जून एक समोसा खाया था। एंड इन दैट पीरियड ही हैड टू फाइट एट अराउंड 17,000 फीट,
He saw his comrade lying dead over there. He crawled back. और सबने एक चीज बताई थी जो शायद आप properly समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने कैप्टन फोरो कालिया की बात की. मैं थोड़ी सी उसकी अगर बात आपको बताऊं, he was from 4th Guard Regiment. तो उनका जो initial patrol ऊपर गया था कारगिल में with 5 other जवान्स, तो वो they were abducted by the Pakistanis. कैंप पे लड़ाई हुई, उनके हथियार खत्म हो गए, पाकिस्तानी नंबर में ज्यादा थे, उन्होंने उनको जिंदा पकड़ लिया. Then for next 22 days they tortured them. एक जिंदा बॉडी के साथ जितना बुरा किया जा सकता है ना, लेकिन when his body came to India along with 5 other जवान्स, उनकी सारी बोन्स तोड़ दी गई थी, उनका स्कल टूटा हुआ था, आईज वर टेकन आउट, ear drums जो होते हैं they were broken, body has lot of cigarette butt burns, many cuts, whatever bad you can do with a living body it was done, and then in the end they were shot dead. तो वो briefing इनको भी दी गई थी कि हमें किसी भी हालत में जिंदा पकड़ा नहीं जाना. तो वो 11 days while he was crawling back towards his base, तो एट वन प्लेस ही सा 6 पाकिस्तानीज कमिंग फ्रॉम वन साइड, दो ही वाज नॉट हैविंग दैट मच स्ट्रेंथ टू फाइट विद देम. स्ट्रेंथ इतनी थी नहीं, बट ही वाज हैविंग हिज वेपन. तो व्हाट ही डिड, ही केप्ट हिज वेपन लाइक दिस हियर विद अ फिंगर ऑन द ट्रिगर. इफ दे सी मी एंड इफ दे कम टुवर्ड्स मी टू कैच मी अलाइव, आई विल जस्ट प्रेस द ट्रिगर एंड किल मायसेल्फ. बट God was kind enough, where he was just sitting in a cover, they couldn't notice him. So that is one incident which he shared. So, difficult to believe what I am saying? Difficult, no? But this man has done all that. He is in front of you. And that time, I know this is a 24 years old story. He must be very young that time. But just imagine. फिर इनकी एक और स्टोरी है, हम थोड़ी देर में बात करेंगे. What made him to come back? वो क्या मोटिवेशन थी, वो क्या ज़ील थी, वो हम बाद में बात करेंगे थोड़ी सी. अब हम अंकल से थोड़ी बात करें, करेंगे ना? तो आपकी आवाज अभी बंद हो गई, इनकी तो 10-15 दिन खाने ना खाना खाने के बाद बंद हुई थी. तो बात करेंगे ठीक है? तो मैं अंकल को माइक देता हूँ. तो मेजर ऋषिकेश रमानी के पापा वल्लभ भाई रमानी सर. तो सर अंकल मैं आपसे बस सबसे पहले फिर वही एक सवाल पूछूंगा कि एज ए चाइल्ड हाउ ही वॉज, क्या वो बचपन से साइंस स्कूल चले गए थे? अभी सब बच्चों के लिए, अब ये तो नहीं जानते, उनका थोड़ा सा बचपन, उनकी स्कूलिंग एंड हाउ ही केम इनटू इंडियन आर्मी. बस आप आराम से. बच्चों पहले तो अपना आवाज ठीक कर लेते हैं. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. वेरी नाइस. ऋषिकेश की जो बचपन की बात है, 6 स्टैंडर्ड लोकल स्कूल में पढ़ा था, 6-12 सैनिक स्कूल बालाचरी जामनगर गुजरात में जो है सैनिक स्कूल, वहाँ स्कूलिंग हुआ. 12 के साथ साथ आप लोग जानते होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, उसके लिए UPSC क्लियर करके ही जॉइंड NDA. ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद NDA एंड IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 2001 में वो पास आउट हुए और कमिश्नर बने. 23 पंजाब यूनिट ज्वाइन किया इन्फेंट्री का. बचपन से सैनिक स्कूल में था. एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय माय यंगर ब्रदर. माय यंगर ब्रदर इज वाज इन एयरफोर्स, ही आल्सो स्टडीड इन सैनिक स्कूल बालाचरी. तो उसने भी सैनिक स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि उसके मन में पहले से था कि आई वांट टू ज्वाइन डिफेंस. तो उसने 12th का जब एग्जाम दिया,
सीबीएसई स्कूल का जो एग्जाम होता है वो तो देना ही है, साथ साथ में यूपीएससी एनडीए के लिए जो क्लियर करना होता है उसका एग्जाम भी दिया, लेकिन अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी था। तो आमतौर पर हमारा ट्वेल्थ का जो रिजल्ट आता है तो ट्वेल्थ के रिजल्ट के बेस पे हमने और भी कई करियर चूज की होती है, इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह अलग अलग, तो कम से कम उसमें अपीयर होते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन ही डिडंट अप्लाई एनीवेयर, ही वाज वेटिंग फॉर यूपीएससी रिजल्ट फॉर एनडीए। तो हमने पूछा भाई तू ट्राई तो कर, वो अगर शायद अंदर यूपीएससी एनडीए में नहीं मिला तो क्या करोगे? बोले दोबारा करना है और ट्राई करूंगा, मुझे तो एनडीए करना है, एनडीए गॉट सक्सेस तो ज्वाइन हो गया। तो पहले से एक जुस्सा एक जज्बा था कि मुझे फौज में ही जाना है, साथ साथ में इन्फेंट्री में ही जाना है, वो भी तय था कि एयरफोर्स या नेवी और कोई ब्रांच नहीं, मुझे सिर्फ इन्फेंट्री में, क्योंकि इन्फेंट्री ऐसी है हमारे सैन्य की जो आमने सामने लड़ाई करती है, तो जो भी जोश है हमारी फौज का उसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो इन्फेंट्री का होता है। तो ही चूज पंजाब रेजिमेंट एंड 2001 में वो लेफ्टिनेंट बने, पहला पोस्टिंग बठिंडा हुआ पंजाब में, बाद में यूनिट उसका बांदीपुर कश्मीर में ट्रांसफर हुआ। ड्यूरिंग दैट वेरियस कोर्सेज जो आर्मी में अफसरों को करने होते हैं, वाईओसी यंग ऑफिसर कोर्स, अलग अलग कोर्स, कमांडो कोर्स, तो सब करते हुए ही गॉट प्रमोशन एज ए कैप्टन। देर आफ्टर दिस यूनिट मूव टू कुपवाड़ा कश्मीर, वेन ही कम बैक टू दिस यूनिट आफ्टर दिस लीव, तो उसका यूनिट वहाँ कुपवाड़ा में डिप्लॉय होना था तो उसके साथ ज्वाइन हुआ। उस टाइम ही वॉज एलिवेटेड एज ए मेजर, एज ए फील्ड रैंक उसको दिया गया, और शायद आप लोगों को याद हो ना हो 10-12 साल पहले की बात है, तो उस टाइम कुपवाड़ा में ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ करती थी और रोज कोई कोई इंसिडेंट सबको सुनने मिलता था, उस जगह पर उसका पोस्टिंग होना था जहाँ ना ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ना इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ना कम्युनिकेशन अवेलेबल है, ऐसी जगह पर हमारी फौज वहाँ काम करती है, वहाँ हमको जाना था। और साथ साथ में मेन जो है उनका ड्यूटी कि उनको टेररिस्ट को रोकना है, जैसी जैसी इनपुट मिलती है उनको कि कोई टेररिस्ट घुसा है तो उनको स्पेशल टास्क दिया जाता है, ऐसे ही उनको एक कंपनी के कमांडर के तौर पे एक ये ऑपरेशन दिया गया, क्योंकि 10 टेररिस्ट घुस आए हैं ऐसी जब इंफॉर्मेशन मिली तो अभी कमांड उसकी एक कंपनी चार्ली कंपनी को कमांड कर रहे थे तो उनको ये ऑपरेशन दिया गया था। करीब 4 जून 2009 से 3 दिन तक ये ऑपरेशन चला, ड्यूरिंग दैट उसने 3 टेररिस्ट को मार दिया और 6 नाइट काफी पहाड़ी में झाड़ी में अंधेरा होता है इवनिंग टाइम पे और बारिश का मौसम था तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं था, फिर भी उन्होंने वो जारी रखा अपना ऑपरेशन और उसका एक बड़ी थोड़ा सा उनकी पलटन से आगे निकल गए और उन्होंने एक टेररिस्ट को ट्रैक कर लिया था कि ये यहीं पर है तो उसको वहीं पर ठोकने ही था, लेकिन एटमॉस्फेयर जैसे मैंने बताया फेवरेबल नहीं था और ऐसी झाड़ी और अंधेरा जिसमें दुश्मन हमें देख सकता है हम उनको देख नहीं सकते, तो बाई चांस जो पत्थर के पीछे छुपे हुए थे वो पत्थर के फिसला और उस सामने जाके आ गए एकदम आमने सामने टेररिस्ट के और आमने सामने फायरिंग में वो उससे बड़ी दोनों 6 जून लेट नाइट रिक्वर्स मार्टियर शहीद हो गए। तो ये इसकी जर्नी थी स्कूलिंग से लेके
लास्ट तक कितना मुश्किल है ना सुनना NDAIMA दिल्ली ऑक्टेव 423 पंजाब जैसे अंकल ने कहा लोहिया वाला प्रोजेक्ट ये पता कौन सी प्रोजेक्ट थी आपने बॉर्डर पिक्चर देखी है उसी बॉर्डर पिक्चर सनी देओल एंड सुनील शेट्टी एंड अदर पीपल दे फाइट एट लोहिया वाला एक जगह है लोहिया वाला राजस्थान में वो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं वो प्रोजेक्ट है 23 पंजाब जहाँ पे सनी देओल ने वो किस्सा किया था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हुआ था कंपनी का मॉनिटर दैट टाइम तो व्हेन ऋषिकेश रामानी वाज इन NDAIMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग फॉर इंडियन आर्मी सो दैट टाइम ही डिसाइडेड कि आई विल आल्सो गो इन द सेम वो शायद उन्होंने वो मूवी देखी थी ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय दैट द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स हु फॉट ऑन दैट नाइट ही ऑप्टेड फॉर 23 पंजाब ही वाज गुड इन मेरिट ही गॉट दैट पल्टन आल्सो टेकिंग एंट्री ट्रूप्स जो लड़ाई में जाते रहते हैं एंड इन 2009 एक 3 दिन लंबा ऑपरेशन था लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा था और जैसे अंकल ने बताया 3 दिन लंबे ऑपरेशन में मौसम भी खराब था हाई अल्टीट्यूड था और इसी तरह खाना पीना आपके साथ होता है या अपने शत्रुघ्न जी से सुनी लिया तो उनके पास भी कितना ही बैकअप होगा कितना ही सामान होगा तो थर्ड ये 6 और 7 जो जून की रात थी वो जिस पत्थर के पीछे बैठते थे वह चेजिंग का कैलस उनसे लड़ाई लड़ रहे थे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वो जो पत्थर था वो शायद उसके नीचे की मिट्टी पानी के बहने से या पानी के ज़्यादा बहाव से थोड़ा सा उसकी मूवमेंट हो गई वो हिल गया तो दे बोथ गॉट एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द जो एनिमी लोग थे आमने सामने की फायर फाइट में दे किल्ड टू कैलस बट इन दैट बोथ ही एंड हिज बॉडी दे कुड not survive the greatest sweet sacrifices और वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो flag दिखाया था देखा था ना आपने when he was wrapped in that flag he was having some 11 या 12 bullets in his body ठीक 11 या 12 bullets in his body जिसकी सप्लाई का नाम आया है but हम कुछ ऋषिकेश रामानी की अच्छी बातें जो उनकी बड़ी library थी वो हम बात करेंगे एक छोटा सा incident तो पहले मैं ही सुना देता हूँ जो मैंने आंटी से सुना था वो बहुत ही मजाकिया था ही वॉज वेरी लाइवली वो ही विल डू ऑल द प्रैंक्स ही वॉज अ वेरी गुड पोएट राइटर डिबेट्स जो ऑलराउंडर जैसे होते हैं ही वॉज द हेल्प बॉय ऑफ सेंट स्कूल बालाशरी जो अपने टाइम पे ही वॉज द हेल्प बॉय तो जब वो सब कुछ था तो और जब वो सैनिक स्कूल में भी था तो वो हर दिन तो घर नहीं आता था क्योंकि दैट इज ए रेजिडेंशियल स्कूल तो जब कभी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होती थी तो वो घर आता था तो एक लाइन है जो पहले सेशन में अंकल ने कही थी विच मेक्स लॉट ऑफ रेलेवेंस है हम लोग फेस्टिवल कब मनाते हैं जब फेस्टिवल आता है जब दिवाली आएगी तो हम सब लोग दिवाली मनाएंगे ऐसा ही होता है ना हम जैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है तो भी आज विल हैव द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन हमारा स्कूल भी बंद होगा उस दिन हमारे sisters will come to their brothers, our brothers will go to their sisters, हम राखी बांधेंगे, we will have sweets, अच्छा खाना खाएंगे, मिलेंगे। लेकिन 4G families में ऐसा नहीं होता, 4G families में ऐसा नहीं होता। जब आपको छुट्टी मिलती है ना, तब आप festival मनाते हैं। The day you are at home, तभी आपका festival होता है। तो like that, अंकल आंटी को भी उसकी छुट्टी आने का बड़ा इंतजार रहता था। कि वो कब छुट्टी आएगा कब घर आएगा आप स्कूल से तो चलो पर्टिकुलर टाइम पे आपको छुट्टी मिल जाती है दे यू पर जब वो फौज में है वैली में पोस्टेड है या इंसर्जेंसी है वहां से रोज बुरी खबरें ही आ रही हैं अच्छी खबर तो आती नहीं कि आज ये हुआ आज वो हुआ आज ऐसा हो रहा है तो वो जब भी कभी छुट्टी के लिए ये बात करते थे तो मुझे सपोज जगह मेरी अगले महीने छुट्टी है या ये छुट्टी है तो एक बार जब उनकी छुट्टी फिक्स भी हुई थी सब कुछ था अब अंकल आंटी वाज एक्सपेक्टिंग हिम से आने पर्टिकुलर डेट कि आज वो घर आएंगे तो वो शायद एक फोन करते हैं अपनी मम्मी को और बोलते हैं मम्मी मैं आज संभव नहीं आ पा रहा हूँ छुट्टी सेंक्शन नहीं हो रही कुछ तो हो गया तो अब आंटी बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं बट नेचुरल
he was expecting him maybe after many months, and all of a sudden he is saying कि छुट्टी sanction नहीं हुई, कुछ काम आ गया, ये वो हो गया, तो अब समझो घर में ये सारे बड़े depressed से हो जाते हैं. But afterwards they realized he was calling his mother outside the gate. अब समझ रहे हो, जो उनके घर का गेट था वो गेट के बाहर खड़ा होके अपनी मम्मी को फोन करके बोल रहा है कि मैं घर नहीं आ पा रहा हूँ, छुट्टी नहीं है, ये वो है. खैर वो 5 मिनट के बाद की मैंने इनसाइड, तो वी कैन इमेजिन क्या माहौल रहा होगा. देन अंकल आंटी आल्सो डिसाइडेड कि हर बार ये ही तू हमारे साथ मजाक करे. व्हाई डू ही डू ऑल द प्रैंक, जैसे वो ऐड आती ना, व्हाई डू बॉयज हैव ऑल द फन. तो अंकल आंटी आल्सो डिसाइडेड कि हम भी यूज करेंगे, वी विल आल्सो गिव हिम अ सरप्राइज. तो मेरे अंकल आंटी ने उसको बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था. मैं पहले तो अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 मिनट ये हमें वो सुनाए, फिर हम उस पर थोड़ी सी और बात करेंगे. सुनेंगे ना? Why should only he has all the fun? अंकल आंटी को भी फन करना था, दे आप को भी, ठीक है? सुनेंगे ना? Yes. हाँ, यस अंकल. जैसे विकास जी ने बताया, हमने एक सरप्राइज उसके लिए ऐसा किया था. एक्चुअली वो हर बार तो उसके बर्थडे पे हमारे पास छुट्टी नहीं होता है, लेकिन उस टाइम था. लेकिन हमने ऐसा सरप्राइज अरेंज किया कि उनको उसको बताया नहीं कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. मेरा एक भतीजा है, उसका खास साथ में ही हमेशा रहता है, उसका दोस्त भी है. तो उसको बताया कि तू इसको दिन भर एंगेज रख, वो कहीं कहीं बाहर घूमते रहा ताकि उसको पता नहीं चले कि हमने ये प्लान किया है. और बकायदा हमने इनविटेशन कार्ड छपवा के सदर रिलेटिव को फ्रेंड्स को इनवाइट किए थे, लेकिन उनको उसको पता नहीं चलने दिया. एक रेस्टोरेंट के अंदर वेलकम किया था, तो जैसा अरेंज किया था उसको इवनिंग में अंधेरा होने तक उसको बाहर रखना है, फिर उसको धीरे से उधर लेके आना है, बताना नहीं है कि कहाँ जा रहा है. बोले चल इधर थोड़ा काम है, वो ऐसा करके वो पिछले दरवाजे से रेस्टोरेंट में लेके आता है. और रेस्टोरेंट के उधर भी ऐसा प्लान किया होता है कि पूरा लाइट वो जब आया तो ऑफ कर दिया गया, और जैसा अंदर एंटर हुआ तो एकदम से लाइट करके एक साथ जितना क्राउड था वहाँ इनवाइटी हमारे सबने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे. तो ऐसा एक हमने छोटा सा एक मजाक उसके साथ भी किया, तो ये आपके साथ ये शेयर करना है. पूरी प्रिपरेशन थी, हर चीज थी. और शाम को जब उनको वहां लाया गया, तो जब वो आस पास पहुंचे होंगे आप जाए रेस्टोरेंट, उन्होंने उसकी लाइट भी स्विच ऑफ कर दी, सो दैट ही नॉट एबल टू सी. और फिर शायद किसी तो गेट से उसको अंदर लेके आए. इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ही इज वॉकिंग और वो यहाँ पे आते हैं, ऑल ऑफ द सडन लाइट ऑन होती है, तो वो अपने आसपास अपने सारे नियर एंड डियर वंस को देखते हैं, एंड एवरीवन इज विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे. तो ही वाज सरप्राइज, एंड एनीवन कैन गेट सरप्राइज, एम आई राइट? But unfortunately, that proved to be the last birthday which they had together. उसके बाद वो कभी birthday उसके साथ मनाया नहीं मैं. अभी सर जो अपनी बात कर रहे थे, बटाली सेक्टर की के जो कंपनी का हेड थे मेजर एम सरवन है, जिनकी उन्हें बात की, वो वाज किल्ड इन एक्शन इन दैट वॉर. कल उनका बर्थडे था, यस्टरडे वाज हिज बर्थडे. इट वाज अ कोइंसिडेंस. कल अगर मेजर सरवन होते तो वो 50 साल के होते. कितने साल थे? 50 साल के होते.
बट कल हमने बर्थडे मनाया उनका. वी इवन पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, वी हैड अ बर्थडे ऑफ मेजर एम सरवनन यस्टरडे. इन्होंने केक काटा, अंकल ने केक काटा, मैं था. फिर कल तानिया मैम जो आए थे, शूज डॉटर ऑफ अ फाइटर पायलट होम शी लॉस्ट वेट बैक इन 1984, उन्होंने केक काटा. वी हैड अ बर्थडे सेलिब्रेशन. अब मैं एक आपको टास्क दूं, अक्टूबर 8 मेजर ऋषिकेश रमानी का भी बर्थडे आता है. कब आता है याद रखोगे? कैन वी ऑल सेलिब्रेट हिज बर्थडे दैट डे? करेंगे ना? Yes. हम तो करते ही हैं, हम कल नहीं करते हैं. मैं भी करता हूं, आप भी करोगे? What is the date? 8th October is the birthday of whom? Rishikesh Ramani. Rishikesh Ramani. Major Rishikesh Ramani. It takes lot of efforts to get that rank before your name. It took lot of efforts for you. Am I right, sir? ऐसे नहीं मिलता. तो वो ऋषिकेश रमानी से मेजर ऋषिकेश रमानी बने, इसके लिए उनकी ना जाने कितने सालों की हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी इंटेलिजेंस एंड अबव ऑल उनकी भगवान की आशीर्वाद और घर वालों का सपोर्ट रहा होगा, अदरवाइज वो नहीं बनते. तो व्हेनेवर यू नेम एनी सोल्जर, प्लीज ट्राई टू पुट नॉट ट्राई प्लीज पुट हिज रैंक with him. It took lot of efforts beyond at times imagination of many of us to get those prefixes with your name. And I think sir can correct me in this, the soldiers are authorized to write their ranks till the very end of the, even after retirement they can use their ranks with their name. It has been entitled by the government of India because it's something very special. So on October 8th birthday kiska hai? Major Rishikesh Ramani. Yes, Major Rishikesh Ramani. Aur hum sab tab usko dhoom dhaam se celebrate karenge. Karenge na? Yes, sir. Because we have to understand one thing. He gave his life in 2009. Bade sare aap ye log sochte honge, are wo to Kupwara mein jaake lade, Kashmir mein jaake lade. हमें उस लड़ाई के साथ क्या लेना देना? Let me tell you one thing very seriously. Those ten boys who came from across the border, they were not there to kill the people in Kupwara. They were not there to kill the people in Kashmir. I am near to them saying Jammu. वो मुझे मारने नहीं आए थे. They were attacking India. वो इंडिया को destroy करने या attack करने आए थे. अगर वो वहाँ कामयाब होते, अगर हम उनको वहाँ नहीं रोकते तो वो जम्मू आते. अगर हम उन्हें जम्मू में न रोकते वो पंजाब आते. अगर हम उन्हें पंजाब में न रोकते वो आगे बढ़ते जाते. जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो, अगर 2009 में दोस बॉयज वर नॉट स्टॉप्ड बाय मेजर ऋषिकेश रमानी एंड द अदर ट्रूप्स ऑफ 23 पंजाब ओवर दैट नाइट, तो वो बढ़ते 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 पूना भी पहुंच गए होते. उना भी पहुंच गए होते. तो ही कुड सेलिब्रेट दैट वन लास्ट बर्थडे विद हिज पेरेंट्स व्हिच वाज अ बिग सरप्राइज टू हिम. नेक्स्ट बर्थडे वो इसलिए नहीं मना पाए, ही एंश्योर्ड कि आप सब लोग इंक्लूडिंग मी हम अपने बर्थडे मनाते हैं. कि विकास मनहास अपने बर्थडे मनाता रहे. ऋषिकेश रमानी ने शायद 26 साल के बाद अपने बर्थडे नहीं मनाए. तो दैट विकास मनहास मींस आओ सी हाउ एक्सपेंसिव माय बर्थडे इज आर. इट्स नॉट अबाउट दैट वन केक जो 400-500 रुपए का मैं खरीदता हूंगा या समथिंग एल्स.
इट हैज द लाइव्स ऑफ सो मैनी पीपल. और वो जो मैंने फ्लैग आपको पहले दिखाया था वो जो फोटोग्राफ, दैट फोटोग्राफ इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. यू शुड शो टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स, टू ऑल योर फ्रेंड्स द प्राइस ऑफ ए नेशनल फ्लैग क्या होता है. वो 200 रुपये, 300 रुपये, 50 रुपये का नहीं आता. इमेजिन व्हाट ही पेड टू गेट दैट नेशनल फ्लैग. जो लास्ट ईयर हमारे पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, हर घर तिरंगा, एंड फॉर हिम इट्स हर दिन. अब मैं लास्ट में, अब मैं सर से एक लास्ट सवाल पूछूंगा, देन ही विल आंसर टू इट. जो आपने पहले सुना 25 मई उन्होंने दो चपाती खाई थी, जो अप्रोक्सीमेटली 15 मई के आसपास बनी थी, जो किसी और पर्यटक को दी गई थी. उस पर्यटक को जब फॉरवर्ड आगे वाली पोस्ट पे जाना पड़ा, उन्हें लगा कि ये रोटियां बड़ी पुरानी हो गई हैं, उन्होंने फेंक दी. जो बाद में इन लोगों को बाई चांस मिली और इन्होंने वो रोटियां खाई भी ऐसी थी, मैं ही बता देता हूँ. जब वो रोटियां लेके आए, वो जो बोरी लेके आए, बोरी ही सैक जिसमें वो कुछ रोटियां, कुछ 20-25 रोटियां थी, वो पड़ी थी, वो इतनी हार्ड हो गई थी, वो पापड़ की तरह सख्त हो गई. अब आप उन्हें खा ही नहीं सकते. अब वहां पे नमक भी नहीं है, मिर्ची कुछ तो है ही, किचन तो है ही नहीं है. तो व्हाट दे डिड, इन्होंने एक टिन के डब्बे में पानी को गर्म किया. इट वॉज लक्जरी इवन देयर टू हैव दैट वार्म वाटर. उसकी एक अलग कहानी है इनकी. वो पानी गर्म किया, उस पानी में उस रोटी को डुबोया गया, सो दैट वो थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी नरम हो जाए. अब रोटियां कम थी, लोग ज्यादा थे, और जो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल यादव एट दैट टाइम, इमेजिन सीओ साहब खुद से खाना बांट रहे हैं, उनके खाना है नहीं. तो व्हाट ही डिसाइडेड, जो यंग लोग हैं उन्हें दो चपाती दी जाएंगी और जो एज है उनको एक ही दी जाएगी, उनके खाना नहीं है. तो वो पानी में गीला करके सीओ साहब इनके खुद से अपने हाथ से, एंड दे डोंट हैव एनी प्लेस, कुछ भी नहीं है. तो आपके सबके हाथ में ही वो गिनी गिनी एक एक या दो दो चपाती डाली गई थी, जो इन्होंने कब खाई, 25 मई को अप्रोक्सीमेटली. उसके बाद 29 को ही वॉज इंजर्ड, ठीक है. देन जून 10 जो इन्होंने बताया, पर 10 जून को चंडीगढ़ आके उन्होंने समोसा खाया, लक्ष्मी वाले समोसा, आफ्टर हाउ मेनी डेज, जस्ट इमेजिन. और उस पूरे स्ट्रगल के टाइम पे दे वर फाइटिंग अप्रोक्सीमेटली एट 7000 फीट विद ऑलमोस्ट वेरी मिनिमल ऑक्सीजन, नो अदर रिसोर्सेज, नो फूड. पानी भी इनको 11 दिन के क्राउन में सिर्फ दो ही बार मिला, जब ये नाले में आए. और एक टाइम सिचुएशन वो भी है जो मैंने आपको बताया, ही हैव केप्ट हिज वेपन ऑन हिज अंडर हिज नेक ओनली. If they catch me alive, I will just press the trigger. क्योंकि they were brief about Captain Saurabh Kalia and his comrades, वो भी मैंने आपको बता दिया. तो जो 29 मई को जो ये सब हुआ, 30 मई was his wedding anniversary. क्या थी? Wedding anniversary. तब शायद 2-3 साल की शादी थी, 2-3 साल की शादी नहीं होगी. And As per him, he belongs to that part of the country जहाँ पे still we are little bit more conservative as compared to the other parts of India. तो मैं यहीं पे आप सर से request करूँगा कि जब 30-35 घंटे injured होने के बावजूद आपके जो बाकी के साथी हैं, उन सब की bodies आपके आसपास होने के बावजूद, what motivated him to come back to the base, वो strength, वो ताकत कहाँ से आई, और 30 को उन्होंने क्या सोचा और क्या किया. बड़ा ब्रीफली सर बताएंगे, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे. Am I right? Yes, sir. सर ने बताया कि आपको शक्ति कहाँ से मिला, तो मैं बताया ना कि मैं यूपी बलिया से बिलोंग करता हूँ. इसमें भी कोई अगर बलिया को जानता हो, चाहे बिहार छपरा, आरा बलिया छपरा, गाजीपुर बलिया, आजमगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट है. उस डिस्ट्रिक्ट में आज भी लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं. जब एक लड़की का शादी किसी घर में हो जाता है
और उसका पति शहीद हो जाता है या किसी कारण बस एक्सीडेंट हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो उस लड़की को लोग अशुभ मानना शुरू कर देते हैं कि वो उसका लक्षण ठीक नहीं था, वो एक ठीक नहीं थी जो मेरे परिवार में आकर के इस तरह का हुआ। तो मुझे जहाँ मैरिज हुआ है जिस विलेज में, वो भी दूसरे बगल का ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और वो मेरे वाइफ है उसकी गांव से ही दूसरी लड़की का भी शादी हुआ था, मैं जानता था उसको भी, इस गाँव हमारे गांव में ही उसी गांव की एक और लड़की आई थी, उसका मैरिज हुआ दो साल के बाद ही उसका एक बीमारी से मौत हो गई। तो गांव के लोग बोलते थे ये गांव ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है, उसका लक्षण ठीक नहीं है, जैसे वो ब्लड के बारे में हो रहा है, लोग जो भी समझे जो भी समझते हैं, लेकिन उसका कीमत अदा नहीं किया जा सकता। तो मुझे एक शक्ति मिल रहा था कि आज मैरिज डे है, 30 मई है, मुझे गोली लग गया, क्या गोली लगने के लिए मेरा भाई हमको गोली थी? नहीं ना, मैं खुद से गया था लड़ने के लिए, और वो भी मैं लिख में जा रहा था जाके वहां लड़ने। तो मुझे एक शक्ति एक प्रेरणा मिल रहा था कि नहीं, मुझे उस अपजस को जस में बदलना है, उस जो उस मेरे वाइफ को जो अपजस लगेगा उसको मैं जस में बदल दू। अगर मैं जिंदा वापिस जाता हूं तो उसको गर्व होगा कि इन्होंने ही बचा लिया। क्या होगा अगर मैं वापस अपने घर में जाता हूं बच करके, तो मेरे वाइफ को बाकी लोगों की नजरों में होगा कि इन्होंने ही अपने जस से उसको बचा लिया। उसको जस देने के लिए मैं लिखने के लिए, चूंकि मौत तो निश्चित थी तो मैं लिखना चाहता था, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था, और जहां पर इन्वाइट हुआ था वहां कोई पेन या लकड़ी नहीं था, जो ब्लड जो सूच के अंदर भरा हुआ था तो उससे मैं कुछ लिख सकूं। मैं अमने से लिखना भी ब्लड में बोल के मतलब उसको नोटबुक में लिखना चाहा, वो फैल जाता था, लिखा नहीं पाता था। तो नहीं लिखा रहा है तो मुझे लगा कि मुझे चल के ये बताना चाहिए, ये वास्तविकता, मतलब मेरे अंदर एक अंदर से शक्ति मिला कि नहीं मुझे चलना चाहिए, हो सकता है बच जाए, हो सकता है बच जाए और मेरा कोशिश। लेकिन ये बीच में जो साथ पाकिस्तानी मिले हमको देखे भी, मैं सोचा कि अब सुसाइड कर जाऊं क्योंकि आखिरी वो कैप्टन कालिया साहब का मेरा भी हाल होगा, लेकिन मेरे बगल से निकल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं देखा, और मैं धीरे धीरे करते करते जो 10 जून को वापस 9 जून को ही 9 जून को 9 बजे लगभग जो दूसरी अपनी कंपनी में जाकर पहुँच गया, उन्होंने देखा मुझे उठा के ले गया। तो एक मुझे प्रेरणा वहाँ से मिला था कि ये को जो गम है उसको खुशी में बदलना है, ये भी एक मेरा प्रेरणा था उस वाइफ के विषय में, मतलब वो गांव या समाज को कलंकित ना करे। लेकिन मैं बच गया ऐसा हुआ, लेकिन जो लोग आज नहीं रहे और उनकी वाइफ है हमारे दादी हमारे साथ भी काफी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी अपने दिल से माँ से भी ज्यादा तुलना करके मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सभी इसको थोड़ा सा समराइज करूंगा जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। व्हेन ही वाज इंजर्ड इन दैट बैटलफील्ड ऑन 29th ऑफ मई ऑन 30th दैट द वेरी एनिवर्सरी केम, इट्स बट नेचुरल यू थिंक अबाउट योर स्पाउस जब आप वेरी एनिवर्सरी की बात आएगी। तो इन हिज पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज वन कांसेप्ट कॉल्ड विच हंटिंग। You know what is witch hunting? We can be considered a lady. She is a reason for her husband's death. ये अशुभ है, हम ऐसा लोग मानते हैं, ऐसी बातें धारणाएं होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। Everyone takes birth and he dies of his own destiny. उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, बट कहानियां हैं, बैड थिंग। तो इनके गांव में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, a young lady became widow and then everyone started blaming her for the death of her husband. और वो जिस गांव से वो लेडी थी, it was a coincidence, इनकी वाइफ भी उसी गांव से ही थी। तो इनको ये लगा कि if I am no more, तो everyone will start blaming that village and my wife.
कि देखो उस गांव की लड़कियां ही ऐसी हैं, उनके कारण हस्बैंड डाइज यंग एंड दिस एंड दैट। तो इन्होंने सबसे पहले ही डिसाइडेड कि लेट मी राइट समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर कि आई केम हियर ऑन माय ओन एंड आई डाइड फॉर द कंट्री, मैं कुछ काम करते हुए आया, मैं शहीद हुआ हूं। तो प्लीज आप उसको ये इस तरह का ब्लेम मत देना। लेकिन लिखने के लिए कुछ था ही, इनके पास एक डायरी शायद जेब में थी, उसके कागज से आप लिखने को कोई पेन तो था नहीं, तो इनका जो शूज थे जो ब्लर से भरे हुए थे, ही ट्राइड कि मैं ब्लर से कुछ लिखूं, पर जब ये ब्लर से अपने हाथ को वेट करते थे लिखते थे तो वो ब्लर उस पेपर को शायद सोक कर लेता होगा, तो वो लिखा ही नहीं जा रहा था। आप लिखने का ऑप्शन समझो इनका रूल आउट हो गया, अब इससे तो मैं इंफॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगा। Then he said कि now let me start walking down, कि at least अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं कम से कम उसको ये बोल दूं कि यार मेरे घर जाके मेरे गांव जाके you have to pass on this message कि whatever has happened to me it's because of me and don't put a blame on to my wife. So just imagine on 30th of May 1999 one he was struggling for his life and second even at that time he was thinking the respect and the dignity of his wife should remain intact. Another thing which he was very keen to go down was that as he has killed those 1-2 Pakistanis, so from their bags he could recover their ID cards, some Pakistani documents which proved that this particular soldier is a Pakistani soldier. And in the initial war, agar aap aaj bhi Google pe search karenge, Pakistan never claimed, in fact wo aaj bhi kai baar us claim ko claim nahi karte ki Pakistani regulars are fighting this war. So they used to say ki ye terrorists hain, mujahideen hain ya koi terror groups hain jo internal war jo India ke sath lad rahe hain, तो वो यही बात पूरे इंडिया में दुनिया को बताते थे। तो जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स जो इनको मिले, जो कुछ एक दो इनिशियल इन्होंने पाकिस्तानियों को मारे थे जिसमें उसका आई कार्ड था, उनकी एक पासबुक थी, उनकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे, तो विच ही हैंडेड ओवर व्हेन 11 दिन के बाद क्रॉस करके जब 10 जून के आसपास इन्होंने वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को दिए, उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड करके जब वो दिल्ली आए होंगे, so that was the initial base with which India exposed the lies of Pakistan aur India world ko ye bata paya ki ye Pakistan regular army lag rahi hai, these are the documents which we had. So he was instrumental in those initial documents also, and for his whole journey he was decorated with It's a guarantee award. You can read more about on the guarantee awards on the internet. On the last mein, but sabse request karunga, a message to all these young boys and girls and your blessings to them. Bachcho, aap kitne din sare hain? 3 दिन से ये आप ये जो सेमिनार चला रहे हैं, इसका उद्देश्य सबसे पहले तो मैं ये मैनेजमेंट और यहाँ के स्टाफ और ये टीम को अभिनंदन करूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा और ये अरेंज किया ताकि विकास जी और शत्रुघ्न जी जैसे सब लोग आपके सामने अपनी स्टोरी रख सकें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि देश सुरक्षित कैसे है, कितने लोगों ने कितना अपना सेक्रीफाइस इसके लिए किया है, और ये सेक्रीफाइस को हम सुप्रीम सेक्रीफाइस का नाम देते हैं कि उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो इससे प्रेरित होकर हम भी अगर चाहें, अगर जोश है और हमने इतना साहस है तो जरूर हम डिफेंस फोर्सेज भी ज्वाइन करें, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं किसी वजह से तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना है, लेकिन हम अच्छे नागरिक बने, हमारे लिए कंट्री फर्स्ट जैसे फौजी को होता है। ये
हमारा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमारे कंट्री के लिए करना है, इतना तो कम से कम हम हमारे मन में एक संकल्प जरूर करें यहाँ से, ऐसी मैं आप सबको अपील करूँगा। विगति के बाद हमने एक मेजर ऋषिकेश रामानी मेमोरियल ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि गुजरात के युवा ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस में जा सके, उसकी अवेयरनेस खड़ी करने के लिए हम कोशिश करते हैं, सेमिनार करते हैं, एक हमने कोचिंग सेंटर भी बनाया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल वहाँ पर जो है जिसको ऋषिकेश का नाम दिया गया है तो वो स्कूल हमने एडॉप्ट की है और वो बच्चों के साथ वो प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है और अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के बच्चे हैं उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसी उनके डेवलपमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप लगाते हैं, उनको एजुकेशनल टूर करवाते हैं, म्यूजिक स्पोर्ट्स वगैरह उसको उनको प्रोवाइड करते हैं कोच और ट्रेनिंग देते हैं और सही स्कूल के लिए भी हम कोचिंग क्लास चलाते हैं ताकि इस माध्यम से एक अवेयरनेस खड़ी हो, क्योंकि गुजरात के लिए कहा जाता था कि गुजरात के लोग फौज में कम जाते हैं, लेकिन उसके बाद बात सही भी थी कुछ हद तक, लेकिन लास्ट 10 साल से मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी लोग बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। बात को समराइज करूँ, जैसे उन्होंने बताया स्कूल है जहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं तो दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोस किड्स मेमोरियल, और ये गुजरात में बच्चों को NDACDS स्पोर्ट्स में जाने के लिए उसके लिए भी कोच करते हैं, कोचिंग देते हैं, सैनिक स्कूल में जाने के लिए जो मोटिवेशन या वट एवर अकेडमिक्स की जो स्पोर्ट रही तो ये वो लोग भी करते हैं। तो अगर मैं एक चीज़ कहूँ, मेजर ऋषिकेश रामानी सर्व द कंट्री व्हेन ही वाज अलाइव, व्हेन ही वाज ऑन दिस अर्थ एंड इवन आफ्टर से मोर देन अ डेकेड ही इज नॉट देयर, ही इज स्टिल सर्विंग द कंट्री। Again, I remind you people, October 8th is the birthday of Major Rishikesh Ramani. It should be celebrated with a lot of zeal and enthusiasm. Am I right? Yes. Jai Hind, Jai Bharat. भारत माता की जय, भारत माता की जय, थैंक यू।